मोहतरम सामई असल वरहमत ला इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अब हम जिक्र शुरू करते हैं आदम का अल्लाह फरमाते हैं और मैंने जिन्हों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया हमें क्यों पैदा फरमाया ताकि हम उसकी इबादत करें अगर से वो इबादत का मोहताज नहीं वो तो बेनियाज है अलबत् हम उसके मोहताज हैं उसके असमां बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलिशान सिफात का मालिक है उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया रहमत के आसार कुदरत के आसार जबर और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया वरना वो किसी चीज का मोहताज नहीं आदम की तखलीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ खलीफा से मुराद है नायब और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नबी अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए जबकि जिन इस काबिल नहीं थे क्योंकि उनमें इस कदर अकलो दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्जो शादाब रख सकें उलामा जिन्नात के बारे में कहते हैं उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के दस साल बच्चे के बराबर अक्ल रखता है इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा फिर अपनी रूह उसमें फूकी फरिश्तों ने उससे सवाल किया ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए और हम तेरी तस्बी हम और पाकिजगी बयान करते हैं इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते दरअसल फरिश्तों ने किसी तरह मालूम कर लिया था कि आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी खून रेजी करेगी लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है और फरिश्ते पलक झपकने के बराबर अल्लाह की उसके हुक्म पर अमल करते हैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं इसलिए फरिश्तों का यह पूछना वजा तलबी के लिए था वो तो इंसान के पैदा करने की वजह पूछ रहे थे वो जमीन में जिन्नात के आमाल और करतूत का मुशाहदा कर चुके थे यानी अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करके इख्तियार दिया तो वो फितना और फसाद और फिसको फजूर में मुबतला हो गए और अब एक और मखलूक जमीन में बसाई जा रही थी तो इस बात का इम्कान था कि यह मखलूक भी उनके नक्श कदम पर चले इसलिए फरिश्तों ने ताजुब और हैरत की बिना पर यह सवाल किया था और पूछने का मकसद ये था कि क्या ये भी जिनों की तरह होंगे इस तरह उन्हें ये खदशा लाहिक हुआ कि शायद उनसे अल्लाह की इबादत में कोताही या कमी वाकई हुई है जिसकी वजह से अल्लाह को नई मखलूक पैदा करना पड़ी इसलिए उनकी बात में यह भी था कि हम तेरी हम और सना बयान करते हैं बहरहाल इनके सवाल के दो मकसद थे क्या ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुआजस और आलिम नहीं हो सकती यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूक का जायजा लिया मसलन आसमान जमीन पहाड़ जिन चौपायों वगैरह का तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो यह हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती ये हमारा खास मुकाम है कि अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं कुफर से महफूज हैं हर हुक्म बजा लाते हैं अल्लाह के तमाम अहकाम पूरे करते हैं आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ हमसे ज्यादा और इन वाली तो नहीं होगी बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई इमाम तिरमिजी इब्ने हिब्बान और इमाम अहमद रहमत आलिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही जहूर पजीर हुई बाज सुर्ख रंग के हैं तो बास स्याह और बास सफेद और कुछ इसके दरम्यान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बास खबीज और कुछ पाकीजा किस्म के हैं इंसान की तखलीक मिट्टी से शुरू हुई इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई इसी वजह से पुराने मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं, और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं खला मिन तुराब यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं और फरमाया जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया अल्लाह ने फरमायाल्ला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के न की बल्कि बजाते तखलीक के मराहल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा यहाँ तक के गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग सियाह हो गया बदबू आने लगी फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार ठेकरी की सूरत इख्तियार कर गई जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं सियाह मिट्टी को हमा उन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखनाकर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अलफखार कहते हैं मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और यकीनन हमने इंसान को खन खनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी अल्लाह ने इंसान को खन खनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकज आरुज और इख्तिलाफ नहीं इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तखलीक के मुख्तलिफ मराहल की याद दहानी कराई गई है खुलासा कलाम यह हुआ कि तखलीक के अमल का पहला मरहला तुराब था यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फिर यह काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह न था हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ है तखलीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है इंसानों को एक सूरत अदा की गई इस मरहले का तस्करा बुखारी और मुस्द अहमद की एक रिवायत में है अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद साठ हाथ या साठ मीटर लंबा था तमाम जन्नती लोग इस आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूब का कद कम होता चला आ रहा है बाद वाले लोग गुजश्ता जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम थे इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है इसमें रसूल अक्रम सला ने आदम की अजीम मखलूक थे सही मुस्लिम और मुस्द अहमद की रिवायत में है अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा उसने देखा कि वो पेट वाला है वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं है सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है बहरहाल अल्लाह ने इंसान को इस शक्ल सूरत में पैदा फरमाया आदम चालीस रातें मुजस्मे की सूरत में पड़े रहे जिस मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी इबली साता इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खन खनाती मिट्टी से पैदा किए गए आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से

अंदाजा कीजिए वो ताजुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है उसकी आदम सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी, इस मजमून को कुरानी मजीद में जा बजा जिक्र किया गया है अल्लाह तरमाते हैं जब मैं इसको ठीक ठाक कर लू और इसमें अपनी रूह फूक दू तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना एक और जगह फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक ईसा सलाम की मिसाल हू आदम आदम सलाम की मिसाल है अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाकर कहा हो जा वो हो गए अल्लाह ने आदम सलाम को मिट्टी से पैदा किया अपने हाथों से बनाया फिर उसमें रूह फूंकी इसका मुफसल बयान अहादीस में मौजूद है जब, जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तदा में रूह जैसे ही सर के अंदर दाखिल हुई आदम को छींक आ गई फरिश्तों ने आदम से कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए उन्होंने कह दिया अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया रहमा का रब्बुक, यानी तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए अल्लाह अल्लाह ने आदम सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी से फरमा दिया बहरहाल जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा तो उनमें गौर फिक्र करने लगे जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई अभी रूह टांगों तक पहुंची नहीं और खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जल्दबाज मखलूक है जब आदम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क्यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादी मुबारका में मौजूद है मुस्लिम बिन अलैह बयान करते हैं कि सैदिना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं सब ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग कयामत के रोज यूं न कहो हम तो इससे महज बेखबर थे या यूं कहो कि पहले पहले शिरक तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा सैयदना उमर रजी अल्लाह ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया मैंने सुना है कि रसुल्लाह सलाम फरमा रहे थे अल्लाह ने आदम अल्लाम को पैदा किया फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे फिर अपने हाथ को दोबारा आदम सलाम की पुष्ट पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे इस पर एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे आपने जवाब में फरमाया अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है हत्ता के जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है उसकी मर्जी के जन्नत वाले अमाल करे या जहन्नम वाले हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया अलबत् हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था और उसका इल्म बरहक है कतई है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं और चूँकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाकई नहीं होती लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है ऐसी बात कत्तन नहीं और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। मरतबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था लेकिन फरिश्तों की जिंद से कतन नहीं था अल्लाह ने उसे इतात और फरमा बर्दारी का सिला दिया था उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इबलीस थे सिर्फ फरिश्तों के लिए यह हुक्म नहीं था बल्कि इबलीस भी इस हुक्म में शामिल था क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सिवाय इबलीस के सभी ने सजदा किया वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इबलीस भी शामिल था क्योंकि कुरान में इस अमर तुक के अल्फाज हैं इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था और फिर इबलीस ने जवाब में यह नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था बल्कि उसने सजदा न करने की वजह यह बताई उसने कहा मैं सजदा क्यों करूं मैं इससे बेहतर हूं इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से अल्लाह ने हुक्म दिया तू इससे नीचे उतर जा गरज जब इबलीस ने नाफरमानी की सरकशी और तकबर का मुजाहरा किया तो उस वक्त अल्लाह और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देख कर उसे सजा देते हुए फरमाया इस जन्नत से उतर जा तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकबर करे इबलीस ने जवाब में कहा मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं قیامت तक जिंदा रहूं मौत ना आए अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दे दी गई लेकिन एक वक्ते मुकररा तक और जब शैतान इस तरफ से मुतमइन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई तब उसने कहा चूंके तूने मुझे गुमराह कर दिया है इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराह के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा फिर उनके आगे से उनके पीछे से उनके दाएं से उनके बाएं से उनके पास आऊंगा और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा वो जहन्नम का मुस्तहक और हकदार ठहरेगा एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया उसने कहा क्या मैं उसे सजदा करूं, जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है अच्छा देख ले इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है अगर मुझे भी तूने क़ियामत तक ढील दी तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा इस पर अल्लाह ने फरमाया जा इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है जो पूरा पूरा बदला है इन में से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है, बहका ले और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ा कर ले आ और अपना हर दाव हर तरकीब और हर असलहा इस्तेमाल कर ले और इनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले और तू इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले यानी इनके बुरे आमाल बना संवार दिखा और गलत ख्वाहिशा दिला जन्नत दोजख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं सब के सब सरासर फरेब हैं यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है इसी तरह बहुत सी आयत में पहली मासीत इलाही का जिक्र किया गया है सबसे पहला नाफरमान इबलीस मलून था वो खबीस अल्लाह के सामने तकबर और अनाद से भरपूर जवाब देता रहा इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लकब दिया काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे अल्लाह ने उस पर इतना फजलो करम और इनाम और एहसान किया कि बुलंद तरीन मरतबे तक पहुंचा दिया लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की न की और कुफर का रास्ता इख्तियार किया। सबसे पहला गुनाह था। इसीलिए हैं, तमाम गुनाहों की जड़ तकबर और गुरूर है नबी अक्रम सलम ने अपनी उम्मत को तकबर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया उसकी बुराई बबाल और हलाकत से आगाह फरमाया आपने फरमाया अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकबर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाया इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुतलकन फरमा दिया वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकबर है जो शख्स अपने कपड़े अपने मकान और अपने कबीले पर फख्र करता है उससे अल्लाह की रहमत उठ जाती है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा के को देखा कि मुहाजिर सहाबी अंसार सहाबा के खिलाफ और अंसारी सहाबी मुहाजरीन सहाबा के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं तो आपने फरमाया इस जाहिलियत वाली पुकार को छोड़ो ये बहुत बदबूदार है बरादरी की बुनियाद पर लड़ना बाहम फख्र करना बुरे नतज का जरिया है गुनाहों की बुनियाद भी तकबर है इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने नौकर मुलाजिम या किसी भी पर कभी भी फख्र का इजहार न करे क्योंकि यही अल्लाह की सबसे पहली नाफरमानी वजूद में आई थी तकबर का ये जिक्र जिमन आ गया हम फिर अपने मौजू की तरफ लौटते हैं अल्लाह ने आदम अल्लाम को पैदा किया और उन्हें आलिम बनाकर ही तख्लीक किया यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी बड़ा आलिम बनाकर पैदा फरमाया बेशुमार बेशुमारहादीस में आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म का जिक्र मौजूद है जब अल्लाह ने आदम में मुकम्मल रूह डाल दी और वो अपने पांव पर खड़े हो गए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलाम वालेकुम कहो आदम और फरिश्तों की जुबान अरबी थी यही जुबान अहले जन्नत की है आदम गए जाकर सलाम कहा उन्होंने जवाब में कहा वाल वह यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो। अल्लाह ने फरमाया ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है अल्लाह ने आदम को इब्तदाई में तमाम नाम सिखा दिए मुफसरीन ने इन नामों के बारे में बहुत बहसें जिक्र की हैं मजबूत मौकफ सदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अन्हुमा का है कि अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखा दिया था मसलन ये पहाड़ है ये समंदर है ये परिंदा है ये दरख्त है वगैरह वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे ये इल्म कैसा था इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया यकीन अल्लाह इंसान में यह ताकत पैदा कर सकता है कि वह हर इल्म का अहाता कर सके अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम और उसकी सनत और काम भी मालूम करा दिया, आग, लोहे, लकड़ी, हर चीज का नाम और इस्तेमाल जहन में डाल दिया वो किस कदर अजीम इल्म से बराबर हुए सुबह अल्लाह बहर अल्लाह ने आदम असलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक ही में बुलंद मरतबा अता नहीं किया था बल्कि अकलो इल्म के लिहाज से भी बुलंद दरजे और मुकाम पर फाइज किया था जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखा दिया फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहा तक सच्चे हो जब आदम की तकलीफ हुई तो तुमने कहा था अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले कसम है वो हमसे ज्यादा और आलम नहीं होगा इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा इन अशिया के नाम तो बताओ अल्लाह तलाम का ज्यादा मुआज होना मुकर्रम होना और इल्मार वाला होना वाजह करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे ये सजदा ताजीमी था इबादत वाला सजदा नहीं था ताजीमी पहले वक्तों में जायज था लेकिन अब हराम है इसीलिए तो याकूब उनकी बीवी और ग्यारह बेटों ने यूसुफ को सजदा किया था बहरहाल फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है यकीनन आदम ज्यादा शरफ और मंजिलत के हकदार ठहरे जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत और ताजीम साबित फरमा दी तब साबित करने के लिए फरमाया अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो, तो इन के नाम बताओ तब फरिश्तों ने कहा कहने लगे अल्लाह तू पाक है हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तू हमें सिखा रखा है मुकम्मल हमत वाला तो तू ही है अल्लाह तला ने आदम अल्लाम से फरमाया आदम तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ आदम हर चीज का नाम बताने लगे किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूं और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। में सवाल उभरता है कि ज्यादा और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा इसके बाद अल्लाह अम्मा हवक को पैदा फरमाया उन्हें आदम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया बल्कि आदम ने काफी अरसा जन्नत में तनहा बसर किया और हदीस में है कि वो वाहत महसूस करते थे तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली से अम्मा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम का हम सफर बना दिया अल्लाह फरमाते हैं ए लोगो अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस चांद यानी आदम से उनकी बीवी को पैदा किया आदम के वजूद ही से हवा का वजूद बनाया गया वो कोई अलग मखलूक नहीं थी जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठे देखा पूछने लगे तुम कौन हो हवा अम ने कहा औरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा तुझे किस लिए पैदा किया गया है वो बोली आपके लिए ताके आप मुझसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते देखा तो कहने लगे अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है आदम ने उन मखलूक का नाम तो बता दिया था जो मशहूर और मारूफ थी इनका नाम पूछना चाहिए उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया उन्होंने फौरन जवाब दिया हवा इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था फरिश्तों ने कहा इनका नाम हवा क्यों रखा गया है आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इसलिए कि इसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है हयात की निस्बत से हवा नाम रखा गया मुस्लिम शरीफ में है सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनहु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है जब वो किसी मामले के लिए हाजिर हो तो भलाई वाली बात करे या खामोश रहे और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे और अगर इसको छोड़ दोगे तो वो इसी तरह हमेशा टेढ़ी रहेगी औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो मतलब यह कि इसी हालत में गुजर बसर करो औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो इस हदीस का मतलब यह है कि औरतों पर जबर करके जबरदस्ती उनकी तबीयत को बदला नहीं जा सकता और औरत को निहायत नरमी और प्यार से रखो इनकी तबीयतों में टेढ़ापन है वो कभी जज्बात से मगलूब हो जाती है और अक्ल खो बैठती है अगर कोई इसे सीधा करना चाहे तो इससे लातालुकी, दूरी और तलाक की नौबत आ जाएगी अगर इसे छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बरकरार रहेगा मर्द को बहुत हौसले से इस सूरत हाल को संभालना चाहिए अहादीस में सैदिना इब्राहिम की जौजा सैयदा सारा अलहलाम का किस्सा मौजूद है वो हव्वा अम के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी हादी से ये इशारा मिलता है कि हब्वासलाम इंसानियत से लेकर क्यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थी अब इबलीस लगा अपने से शुरू करने आदम और हवा अलहलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी अल्लाह तला फरमाते हैं और हमने कह दिया अदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बा फरागत खाओ जन्नत भी कैसी अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत के जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ कुछ भी मना नहीं सिवाय एक तरक्त के चुनाचे इर्साद हुआ और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो फिर जिस जगह से चाहो बा फरागत खाओ और इस दर के पास मत जाओ वरना में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया और जब हमने फरिश्तों से कहा हमने कहा अः आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए यहां तो तुझे आराम है न तू भूखा है और न नंगा और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से तकलीफ उठाता है गोया अल्लाह ने सैदिना आदम को वसवसे पहले ही खबरदार कर दिया था इन आयत से यह भी पता चला कि इंसान से इबलीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही है और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था उनका कॉल सही नहीं इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल कर दिया जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ए आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है और तक्वा का इससे भी बेहतर है लिहाजा आदम इब्तिदा में नंगे नहीं थे उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था अल्लाह ने आदम को कामिल नेमतों से नवाजा भूख न प्यास यहाँ तक के प्यास के असबाब से भी महफूज न गर्मी और न धूप फिर बे इंतहा हुसन जमाल मशक्कत न तकलीफ बदब्ती न बदकस्मती आदम और हवा असलम के दिलों में वसवासा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ये वस्वसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और यह तमा दिलाई कि इस को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया वो दोनों कपड़े में मलबूस थे सतर ठांप रखा था जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया दोनों बराहना हो गए यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इर्शाद होता है शैतान ने उन्हें वसवसा डाला कहने लगा ए आदम क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दू जो कभी पुरानी न हो जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे फिर वो वसवासा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा जैसा कि इर्शाद होता है और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खां हूं अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया जैसा कि फरमाया फदल्लाहुमा बी यानी धोखे से उन्हें फुसलाया लाया हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी अल्लाह ताला फरमाते हैं उन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों का परद बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदी शामिल है बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिसम ढांपने लगे हदीस में आया है आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा आदम मुझसे भागते हो आदम बोले अल्लाह मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि तेरे सामने ब्राहना कैसे रहूं फिर ये कि ना फरमाने का इतकाब भी कर चुका हूं यहाँ एक सवाल पैदा होता है दोनों में से पहले खाने वाला कौन था इस बारे में राज़ेह कौल यह है कि वो हवा थी उन्हीं ने आदम उन्हींम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हवा ना होती तो कोई औरत अपने खावन से खयानत न करती वा सलाम ने उन्हें गलती में मुबतला किया था अगर हवालाम न होती तो आदम भी खयानत में मुबतला न होते और ना मासीत में मुबतला होते तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और क्या यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया क्या वो दोनों अपनी मासी पर बजिद रहे और तकबर करने लगे जैसा कि इबलीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने या उन दोनों ने तोबा कर ली जी हाँ दोनों ने तोबा कर ली जैसा कि कुरान मजीद में आता है दोनों ने कहा ए हमारे रब हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मफ्रत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम ख़सारा पाने वालों में से हो जाएंगे इस किस्से में एक सवाल ये ज़हन में पैदा होता है कि जब सैदिना आदम को इबलीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया फिर वो सैदिना आदमी सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला ये उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था मुफस्सरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से यह वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया लगे हाथों इबलीस की हकीकत भी सुन ले इबलीस के लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं ये रादे दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था इसलिए उसे ये लकद मिला वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अजाजील था पहले यह जिन्नात में से था अपने रब की इताद से निकलकर इबलीस हुआ इसका इल्म नाकिस था मिजाज नापाक था वो गुरूर और तकबर में मुब्तला हो गया था यहां ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं उन पर अल्लाह तला की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है अगरचे अंबिया भी इंसान होते हैं और तमाम इंसानी तकाजे उन्हें लाइक होते हैं लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल कतान नहीं होता उनका हर कौल और अमल बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं अलबत् बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है भूल हो जाना बशरी तबीयत का खासा है अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज रखी है अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की कई एक हिकमतें पोशीदा हैं मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मोजिजात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई यहां तक कि बास कौमों ने अपने नबियों को अल्लाह या अल्लाह का बेटा भी जाना जब अंबिया से भूल और लफ्जिशें हुई तब गोया लोगों पर यह वाजे किया गया कि ये इलाह नहीं है इलाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती थी इसे ये बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं कोई मावराई मखलूक नहीं होते सईदना आदम असलाम के वाकये पर गौर करने से यह हकीकत मजीद वाजे हो जाती है कि सैदिना आदम की ये लफ्जिश गुनाह नहीं थी ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैदिना आदम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था इस लिबास के बारे में मुफस्सरी ने लिखा है कि वो लिबास दरअसल नूर का था यानी वो जन्नत का खास लिबास था जो सिर्फ उसी आलम में पहना जा सकता है अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से जन्नत में उनकी सतरपोशी का इंतजाम फरमा दिया अल्लाह का हुक्म हुआ जन्नत से उतर जाओ तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है फरमाया तुम वही जिंदगी बसर करोगे और वही मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे कुराने मजीद के दीगर मकाम इस किस्से की तफसी मौजूद है मसलन फरमाया और इससे कबल हमने आदम से एक आहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अजम नहीं पाया अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया उसने साफ इनकार कर दिया तो हमने कहा ऐ आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया कहने लगा मैं आपको के और वो चिपकाने लगे आदम ने अपने रब की नाफरमानी की पस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की हुक्म हुआ तुम दोनों यहां से उतर जाओ तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा हाँ जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज क्यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलेमात सीख लिए वो कलेमात ये है ए हमारे रब हमने अपना नुकसान किया और अगर तू ने हम पर मकफिरत फरमाई, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे आदम आदम उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इबलीस को भी उतारा गया ये किस जगह पर उतरे इस बारे में पाया जाता है लेकिन इबन अब्बास रजी अल्लाह की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम

सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था फिर इंसानों की अफसाइश शुरू हुई आबादी में इजाफा होने लगा अल्लाह ने आदम ही को उनका नबी मुतायन कर दिया वो उन्हें दीन सिखाते रहे उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे यानी कानन वाहिदा तमाम लोग एक ही उम्मत के थे उनमें शिरक का शायबा भी न था इबन जरीर और इब्न कसिर ने अबू मूसा अशरी रजी की रिवायत बयान की है अल्लाह ने जब आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था जब वो उतरे तो आलिम भी थे लिबास में मलबूस भी थे काम काज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे लोहे आग लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तदाही से जान चुके थे क्योंकि हम सब लोगों का हाल यह है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता आज के दौर में बास अफ्रीकी अफराद वह शियना और गैर मुहजब जिंदगी गुजारते हैं उलवा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान है इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया तहजीब इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की है। बहरहाल मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासी काबिल के हाथों अपने भाई हाबील के कत्ल की सूरत में सामने आई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था जबकि उसका भाई हाबिल रहम दिल और नरम तबीयत था काबिल खेतीबाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था हाबिल के नरम दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है और वो है बहन के साथ निकाह चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था इसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था आप नबी भी थे और रसूल भी रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती अलबत् उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मोजात अता किए जाते हैं जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे इसलिए उनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता काबिल इस शरा हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदीया पेश करें हदीया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फकीरा में तकसीम कर दिया जाए इससे मक़सूद अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करना होता है इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी और वो ये आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गले में से रद्दी किस्म का गला कुर्बानी के लिए पेश किया दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था यह देखकर काबिल हाबिल पर गजब नाक हुआ शैतान ने भी उसे वसवसे में मुबतला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे उसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया उस वक्त तक रुए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इरतकाब काबिल ने किया वो अपने भाई हाबील के पास गया और उससे बोला मैं तुझे कत्ल कर दूंगा जवाब में हाबील ने कहा अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा इसलिए कि मैं चाहता हूं, तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया रुए जमीन पर कत्ल की इब्तदा कर दी जमीन को पहले खून से रंग दिया तारीख इंसानी में यह सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ कत्ल तो वो कर बैठा अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े एक ने दूसरे को हलाक कर दिया अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा इस तरह उसने एक गढ़ा तैयार कर लिया मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ उसने भी गढ़ा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया वो अपने किए पर नादिम ज़रूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफ़ी न मांगी जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे काबिल और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह मायदा आयत सताइस में किया है अल्लाह फरमाते हैं आदम, आदम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया उनमें से एक ही नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई तो वो कहने लगा मैं तुझे मार ही डालूंगा उसने कहा अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा

पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ने 30 और इकतीस में किया है उसे उसके ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे, उसे कत्ल कर डाला इससे वो नुकसान वालों में से हो गया फिर अल्लाह ताला ने एक कब्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है वो कहने लगा हाय अफसोस क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ इमाम अहमद तिर्मिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अनहु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अनहु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया मैं गवाही देता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा किसी ने कहा अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे क़त्ल कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू आदम सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा यानी इस फितने में कत्ल हो जाना हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया इस हदीस से इस जुर्म की नौयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया क्यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुरतकब होंगे उनका कुछ गुना काबिल के हिसाब में डाला जाएगा हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहायश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे ये उनसे बहुत दूर जा बसा था इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से रहा बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिल दादा थे तकवा की किल्लत अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था इसके बाद लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दिगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी लेकिन 40 साल कम कर दी गई सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा इस तरह क्यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गई फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया उन्होंने पूछा या अल्लाह, ये कौन है अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद है इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी उन्होंने पूछा या ला ये कौन है जवाब मिला ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं इनका नाम दाऊद है पूछा इनकी उम्र कितनी है फरमाया साठ साल आदम सलाम कहने लगे या अल्लाह चालीस साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है जब आदम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे मेरी उम्र में तो अभी चालीस साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र नौ सौ साठ साल थी अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा क्या आपको याद नहीं आपने अपनी उम्र के चालीस साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे वसल्लम ने फरमाया चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदि है आदम खुद भूल गए उनकी औलाद भी भूलती है आदम ने खता की उनकी औलाद भी खता करती है हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलेम को इसका बदल अता किया इसका नाम उन्होंने शीश रखा शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा हाबील के कत्ल पर आदम और हवा अलहमसलाम दोनों बहुत गमगीन हुए इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलहलाम अता फरमाए सैदिना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह से मरवी एक सही हदीस में है कि सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 104 सौ सहीफे नाजिल फरमाए उनमें से 50 सहीफे शीस अलहलाम पर नाजिल हुए इन सहीफों में ऐसे कवानीन उसूल और जाबित थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज्म होती है शीश् ने आदम से इल्म हासिल किया लेकिन आदम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके इसलिए कि आदम ने बिलमुशाफहा किया था और बहुत सी अशिया का इल्मा ने उन्हें सिखा दिया था इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे ने ने आदम से लोगों लोगों को सिखाए, उनसे शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी दिन रात के हिसाब से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन अवकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए अदीस में इसकी वजाहत मिलती है इमाम अहमद बयान करते हैं कि अबू सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुताल पूछा ये कौन शख्स है लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह है बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम है अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अन्हो उस वक्त ये वाकया बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं सेब अनार अंगूर ये सब जन्नत में मौजूद थे जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है इसलिए आदम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े कुदाले और टोकरियां ले ली रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी उन्होंने पूछा आदम के बेटो किस चीज की तलाश में हो कहा जा रहे हो उन्होंने जवाब में कहा हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे, उनकी बात सुनकर बोले वापस जाओ तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं, अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी उनके साथ चिमड़ गईं। आदम अलैहिस्सलाम बोले मुझसे अलग हो जाओ पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह क़ब्ज़ की उन्हें गुस्ल दिया कफ़न पहनाया खुशबू लगाई आपकी कब्र खोदी फिर उन्होंने आदम आदमी की नमाज जनाजा अदा की उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले आदम के बेटों, तुम्हारे लिए यही तरीका है उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकाम से वाकिफ नहीं थे उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दे तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की यह था हमारे बाप सैदिना आदम अलैहिस्सलाम का उस्वा और सीरत तैयबा का हाल आपकी वफात के एक साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गई